मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में फंसे मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वझे ने व्हाट्सएप ऐप पर बेहद इमोशनल मैसेज लिखा है। वझे ने लिखा, इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। मेरे सहयोगी अधिकारी मुझे गलत तरीके से फंसाने में जुटे हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा इस बार हालात अलग हैं। तब मेरे पास 17 साल की आशा थी, संयम, जिंदगी और नौकरी भी थी। लेकिन अब मेरे पास न तो 17 साल की जिंदगी है और न ही नौकरी और धीरज। मुझे लगता है कि दुनिया से दूर जाने का वक्त पास आ गया है। विरोधी पक्ष ने सचिन वझे के पद पर बने रहने पर सवाल उठाते हुए हिरेन की पत्नी विमला के हवाले से आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन पर हत्या का केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए वझे का पद से निलंबन होना जरूरी है। वझे अगर पद पर बने रहेंगे तो वह मनसुख की कथित मौत से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस की मांग से ठाकरे सरकार दबाव में आ गई थी। इसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वझे को क्राइम ब्रांच इंचार्ज और मनसुख हिरेन केस से हटा दिया था। सूत्रों के मुताबिक विमला हिरेन की ओर से हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद सचिन वझे खुद ही एटीएस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे थे। एटीएस ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी।